अगर आपने बुनकर योजना का फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल हो गया है या नहीं और आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है या नहीं। इस वीडियो में हम दो तरीके से बताएंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है सरकार द्वारा या अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको बैंक बैलेंस चेक। बैंक बैलेंस चेक लिखते ही इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश चूज कर लेंगे। चलिए मैं इसमें हिंदी को चूज कर लेता हूँ। हिंदी पे टिक करके आपको सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसमें आपको ढेर सारे बैंक के नेम देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अपना बैंक खोज लेना है और इस तरह से आपको अपना बैंक का नाम नहीं मिलता है तो बैंक खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपना बैंक का नाम डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर कॉर्पोरेशन बैंक लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आ गया कॉर्पोरेशन बैंक। इस अगर आपको अपना बैंक का नाम मिल जाता है तो उसे क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करते ही यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसने यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एटीएम कहाँ पर है, इसका बैंक शाखा कहाँ पे है। आप अपना आईबीसी कोड भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको बैंक बैलेंस रसीद पर चेक करना है तो बैंक बैलेंस चेक करें पे क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। बैंक बैलेंस चेक करें पे फिर क्लिक करेंगे। इसी क्लिक करते ही ये कॉल वाले ऑप्शन पे आपको ले जाएगा और एक कॉल जाएगा, उसके बाद कट जाएगा। यहाँ पे ये लिख रहा है कि आपका बैंक आपको 5 मिनट में एक SMS भेज देगा। कॉल कट होने के बाद आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा बैंक की तरफ से। उसमें आपकी बैंक की सारी डिटेल रहेगी कि आपका बैंक में कितना बैलेंस बचा है। इसी तरह से आपका जिस बैंक में खाता हो वो बैंक सिलेक्ट करके उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको तुरंत एक SMS मिल जाएगा कि कितना बैलेंस बचा है। अपने क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे PFMS.NIC.IN। सर्च करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रैक MSP पेमेंट, नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे पूछेगा बैंक का नाम। आपका जो भी बैंक है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, जैसा कि मैं बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। दोनों कॉलम में आप अपने बैंक करने के बाद यहाँ से कैप्चा पूछ रहा है, यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें दो बार करके बैलेंस भेजा गया है।